रीड एंड लर्न समझेंगे। आपके दो तरह के शब्द दिए हुए हैं, एक वर्ड्स दिए हुए हैं, एक फ्रेजेस दिए हुए हैं। सबसे पहले देखें वर्ड्स। पहला शब्द दिया हुआ है आपका बैलेंस। बैलेंस मीन्स किसी चीज को संतुलित करना। अगला है बिलीव। बिलीव मीन्स विश्वास करना। कार्टून। कार्टून बच्चों हम कह सकते हैं हास्य या व्यंग चित्र। और कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड अपने यहाँ कहते हैं आंगन को, आंगन जो खुला हिस्सा रहता है घर का। एक्साइटेड। एक्साइटेड यानी रोमांचित होना, उत्साहित होना। गोबल। गोबल मीन्स निगलना, जल्दी जल्दी खाना या एक बार में कोई चीज को निगल लेना। सरप्राइज। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। फ्रेसेस देखें। एट वन गो। एट वन गो मीन्स एक बार में, जैसे एक बार में वो बाल्टी भर के पानी पी लेता है, एक बार में आप एक गिलास दूध पी ले, तो इस तरह से एट वन गो। राइट देयर यानी अभी वहाँ। और अगला टू फॉल ऑफ। टू फॉल ऑफ मीन्स से गिरना, जैसे अनीता कहती है कि मैं हाथी से गिर जाऊंगी, यानी किसी ऊंचाई से गिरना। टू फीड। टू फीड यानी खिलाना। टू हेल्प मदद करना। टू राइड सवारी करना। अब कैसी सवारी करना, जैसे वो हाथी की सवारी करती है तो घोड़े की सवारी करना, टू राइड। और टू वॉच यानी देखना। आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर अभी मैं बताऊं, पहले समझ लेते हैं वर्ड पावर में मैचिंग। आपकी मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। सात मैचिंग दी हुई है आपकी। पहला दिया हुआ है बैलेंस। बैलेंस का मीनिंग अभी हमने ऊपर समझा, संतुलित करना। कीप स्टेडी। और बिलीव मीन्स विश्वास करना, फील सर्टेन। अगला है कार्टून, जो मैंने बोला था हास्य व्यंगचित। एन एम्यूज ड्राइंग इन अ न्यूज पेपर और अ मैगजीन, किसी भी न्यूज पेपर में या पत्रिका वगैरह में जो मनोरंजन के लिए ड्राइंग करी जाती है वो कार्टून कहलाते हैं। कोर्ट यार्ड। एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कम्प्लीटेड सराउंडिंग बाय बिल्डिंग। आमतौर पर अपने यहाँ आंगन को कोर्ट यार्ड कहते हैं, जो ओपन स्पेस रहता है हमारे घर के चार दीवारी के अंदर। और अगला है एक्साइटेड। फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुजियम, यानी खुशी और उत्साह से भरी हुई जो भी भावना रहती। फीलिंग यानी भावना, ऐसी भावना जो ये शो करे, ये दिखाए कि खुश भी है और उत्साहित भी है, तो इसको अपन कहते हैं रोमांचित होना। अगला है गोबल। टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, किसी चीज को बहुत तेजी से खाना। और तेजी से खाने का मतलब ये कि उसको चबाना करना नहीं, सीधा निगल लेना। तो गोबल मीन्स होता है निगलना। टू ईट समथिंग वेरी फास्ट। सरप्राइज आश्चर्यचकित होना। फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। आगे हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर समझें बच्चों। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे, अनीता आज बहुत रोमांचित क्यों थी। आंसर है अनीता इज एक्साइटेड टू सी अप्पू एट हर डोर। अनीता अप्पू को अपने दरवाजे पर देख करके बहुत रोमांचित थी। आप चाहें तो अनीता इज एक्साइटेड की जगह पे ये पूरा सेंटेंस उतार सकते हैं। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी अप्पू एट हर डोर। अनीता अप्पू को अपने दरवाजे पर देख करके बहुत रोमांचित थी। दूसरा क्वेश्चन, वेयर हैज सीन द एलिफेंट बिफोर, उसने हाथी को इससे पहले कहाँ देखा था। सी हैज सीन द एलिफेंट इन द मूवीज एंड कार्टून शोज ऑन टीवी, उसने इससे पहले हाथी मूवी में यानी फिल्मों में देखा था या टीवी पर कार्टून शोज में देखा था। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर। ही ड्रिंक, ड्रिंक लिखा डी आर ए एन के। ही ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, उसने यानी अप्पू ने एक बाल्टी भर के पानी एक बार में ही पी लिया।
या फिर हम इसकी जगह पे ड्रिंक की जगह पे सक शब्द भी कर सकते हैं, सक्ड, ही सक्ड, SUCKED, ही सक्ड अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट बनगो, उसने एक बाल्टी भर के पानी एक बार में ही चूस लिया। क्योंकि आपके लेसन में जिक्र आता है, अनीता अपनी माँ से कहती है कि देखो वो पानी को कैसे पी रहा है, वो एक बार में ही पानी को चूस लेता है। तो दोनों ही आंसर आपको जो ठीक लगे आप लिख सकते हैं। अगला, व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक, अप्पू अपनी सूंड से क्या करता है। ही टुक द थिंग्स एंड पुट देम इन हिज माउथ, अपनी सूंड से अप्पू वस्तुओं को लेता है और अपने मुंह में रख लेता है। ही यूज्ड हिज ट्रंक लाइक अ हैंड, वह अपनी सूंड का उपयोग एक हाथ की तरह करता है। जिस तरह से हम लोग हाथ का यूज करते हैं उस तरह से वो क्या करता है, सूंड का उपयोग करता है। अगला, हाउ डिड द माउथ हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू, माउथ ने बच्चों को अप्पू की सवारी करने में किस प्रकार से मदद की। आंसर है आपका, माउथ पुट अ होदा ऑन अप्पूस बैक एंड हेल्प द चिल्ड्रन क्लाइंबिंग ऑन इट्स बैक। माउथ ने अप्पू की पीठ पर होदा रखा और बच्चों को उसमें बैठने में मदद की। अगला क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड, डू यू लाइक इट, क्या आपने कभी एलिफेंट की सवारी की है और अगर की है तो आपको कैसा लगा। आंसर वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, यस आई हैव। यस आई हैव का मतलब हाँ मैंने सवारी की है, और डू यू लाइक इट, आई लाइक इट, तो ये हो जाएगा आंसर, हाँ मैंने सवारी की है, मुझे ये पसंद आई या मैं इसको पसंद करता हूँ। आगे आपकी एक्सरसाइज है, मैचिंग के बाद जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ प्रॉपर वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द पजल। आपको पजल भरनी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखें। पहले द बनाना ट्री बाज इन अनीतास कोर्ट यार्ड, जो केले का पेड़ था वो अनीता के कहाँ पर था, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में था। तो पहले में अंडरलाइन हो रहा है कोर्ट यार्ड, यानी फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपका, कोर्ट यार्ड। तो वन नंबर में दिया हुआ है तो आपके इसमें ये भरा हुआ दिया कि किस तरह से इसको आपको भरना है, ये लिखी हुई है कैपिटल लेटर्स में और वन नंबर डाला हुआ है, इसमें कॉलम ए से बने हैं, तो हमको इस तरह से पजल भरनी है, COURTYARD, तो ये हुआ है आपका कोर्ट यार्ड। अब टू नंबर यहाँ डाला है, इसका मतलब टू नंबर में जो भी शब्द आएगा उसको हमें यहाँ भरना है। क्या लिखा हुआ है आपका, एलिफेंट्स कैन, एलिफेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गोवल आएगा यहाँ पर, गोवल आप अ होल ट्री, हाथी एक बार में ही पूरा एक पेड़ खा सकता है, यानी इनकी खुराक इतनी ज्यादा होती है, तो क्या आएगा यहाँ पे, गोवल अप भरा हुआ है पहले से ही, तो हमको गोबल की स्पेलिंग भरनी, गोबल GOBBLE, ये हो जाएगा गोबल, और इसमें अप भरा हुआ है अपने आप पहले से ही, तो गोबल अप यानी निकलना। अगला, द माउथ टुक द चिल्ड्रन फॉर अ, थर्ड में आएगा आपका राइड, ये भरा हुआ है आपका RIDE, मैंने आपके लिए भर दिए हैं तो लिखने में टाइम लगता है इसलिए, तो थर्ड में राइड सवारी। अगला, अनीता बाज भैरी, इसमें आएगा एक्साइटेड, टुडे दैट डे है ना, तो फोर नंबर है ये आपका, ये लिखा हुआ है एक्साइटेड, EXCITED, एक्साइटेड। अगला, अनीता थॉट सी कैन नेवर, अनीता थॉट सी कैन नेवर बैलेंस ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, उसको ये लग रहा था कि वो हाथ
हाथी की पीठ पर बैलेंस नहीं बना पाएगी, यानी संतुलन नहीं बिठा पाएगी। तो ये बैलेंस शब्द आया हुआ है BALANCE। अगला, अनीता'स मदर वांटेड टू, सिक्स नंबर, वॉच द एलिफेंट ईटिंग। जो अनीता की माँ थी वो देखना चाहती थी, क्या देखना चाहती थी? वॉच द एलिफेंट ईटिंग, हाथी को खाते हुए। तो इसमें आएगा वॉच, WATCH, वॉच। और अगला, अनीता एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल वाइल सिटिंग ऑन द होदा। स्केयर्ड, SCARED, स्केयर्ड। जब बच्चे हाथी पर बैठते हैं तो थोड़ा सा डरते भी हैं बैठते समय, तो यहाँ पे स्केयर्ड आना है। अनीता एंड हर फ्रेंड वर अ लिटिल स्केयर्ड वाइल सिटिंग ऑन द होदा। होदा में बैठते समय थोड़ा सा वो डरते भी हैं। अब आगे बच्चों, आपके उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करने को है नहीं, एक चीज़ जो आप कर सकते हैं लेट्स डू इट में, ये आपके एनिमल्स वर्ड्स नेम दिए हुए हैं, आपको ये कॉलम में भरना है। यहाँ जो भी नाम दिए हैं, अगर वर्ड्स है तो इस कॉलम में भरना है आपको। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो जानवर पानी में रहते हैं उनको इस कॉलम में नाम लिखना है। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो, उनका नाम इस कॉलम में लिखेंगे, और पेट एनिमल्स का नाम इस कॉलम में लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं फुर्ती में बता देती हूँ। पीकॉक आपकी बर्ड है तो पहले कॉलम में आएगी। पक्षियों के पंख होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। पक्षी में जानवरों में अंतर क्या है कि पक्षियों के पंख होते हैं। फिश पानी में रहती है, गोट। पेट एनिमल है, वुल्फ वाइल्ड एनिमल है, बियर वाइल्ड एनिमल है, फ्रॉग आपका लिव इन वाटर है, डॉग पेट एनिमल, क्रोकोडाइल लिव इन वाटर, पिजन वर्ड, स्पैरो वर्ड, टाइगर वाइल्ड एनिमल और काउ पेट एनिमल। तो आप इस अनुसार फिर अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ में आ गया होगा। हेलो सेवंथ क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 5 द क्राउडेड ट्रेन समझेंगे। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहले, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन से यात्रा की है? हैव यू एवर बॉट अ टिकट योरसेल्फ, क्या आपने कभी स्वयं टिकट खरीदा है? व्हाट हैपन्स इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट, क्या होगा यदि कोई व्यक्ति बिना टिकट के यात्रा करे? द क्राउडेड ट्रेन यानी भीड़ भरी ट्रेन, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट द ऑफिस एंड बॉट अ न्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद ने अपना ऑफिस का काम समाप्त किया और इंदौर वापस आने के लिए कुछ वस्तुएं खरीदी। ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग एंड प्लान्ड टू रीच होम बाय नाइट। वह यहाँ भोपाल में ऑफिस के काम से आया था और उसकी सुबह भोपाल आया था और उसकी ये योजना थी कि रात को ही वो घर वापस चला जाएगा। एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटेड दैट द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड, और जैसे ही वह भोपाल रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो उसने ये पाया कि भीड़ जो है वो ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड यानी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, और ये उसके लिए संभव था कि वो सेकेंड क्लास से यात्रा कर सके। इम्पॉसिबल यानी असंभव होना, ओवर क्राउडेड यानी अधिक भीड़, अत्यधिक भीड़ होना। जितनी जगह होती है ट्रेन में बैठने की उससे कहीं ज़्यादा भीड़ होना। ही हैड नो टाइम आइडर
टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान और टू बाय अ न्यू टिकट। उसके पास इतना समय नहीं था कि वो क्या करे, या तो अपनी जो यात्रा की योजना है उसको बदल ले